सो ऑल राइट गाइज, वेलकम टू माई व्लॉग। कैसे आप सब? तो जो आज की ट्रेनिंग होने वाली हुई है हमारी, तो वो है हमारी FST ट्रेनिंग। अब ये FST ट्रेनिंग क्या होती है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। FST होती है फैशिया स्ट्रेच ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, आज मेरा लेग वर्कआउट है, तो उसमें मैंने अब हफ्ते में दो बारी जैसे लेग्स मारता हूँ, तो उसमें से एक जो दिन होगा लेग्स वाला, उसमें मैंने FST करनी है ट्रेनिंग। उसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे जो लेग का मसल होता है, उसके बीच में एक टिश्यू होता है जो कि बहुत अंदर जाके होता है, उसको स्ट्रेच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये मुझे एक जिम में ट्रेनर आए, उन्होंने वो बताई थी बात की, अगर आप अपने फैशिया को अच्छे से स्ट्रेच करते हो तो लेग की जो ग्रोथ होती है, मसल ग्रोथ जो होती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, एनहेंस हो जाती है आपकी परफॉर्मेंस भी। चलते हैं उसमें, लेकिन उससे पहले बाल हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, पहले ले लेते हैं एक हेयर कट, फिर मिलते हैं सीधे जिम में। ओके, हियर वी गो। मैंने बोल दिया कि कर दो, इनका अगली बार भी बोलूँगा। वही मैं पूरा सिस्टम दे के बना था। सो गाइस, हम आ गए हैं जिम में। तो भैया हमारे साथ में ट्रेनर जिम के, तो अभी हम करने वाले हैं FST सेट अपने साथ। क्या बोलते हैं, FST 7? FST 7 बोलते हैं, फैशिया स्ट्रेच ट्रेनिंग। ठीक है, तो फिर किससे शुरू कर रहे हैं? पहले आज लेग प्रेस से करेंगे। चलो ठीक है, करते फिर। हियर वी गो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लेग प्रेस पे मैंने 20 केजीज का डाला हुआ है। तो राउंड वन जब शुरू हो रहा है, तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है, भैया ने मेरे को बताया कि स्टार्टिंग में जो हमने 12 रैप्स से स्टार्ट करना है, तो अभी जो है 12 रैप्स मारना है मेरे को। तो जैसे भी आप देख रहे हो कि इसमें मैं 12 रैप्स मार रहा हूँ। तो पहले राउंड में तो बहुत आसान होता है ये मारना, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जितना भी आप कर रहे हो FST 7 फैशिया स्ट्रेच करो, इससे पहले वार्म अप ज़रूर अच्छे से कर लेना। तो अब जैसे ही 12 रैप्स ख़त्म हो जाएंगे, तो मेरे को फिर 12 रैप्स को होल्ड करके रखना, जैसे इस पर आप देख रहे हो। तो जब आप इसको लॉक भी नहीं कर सकते अपनी टांगों को, ताकि आपकी बॉडी रेस्ट में चले जाए, तो अब इसको आपने होल्ड करके रखना है 12 सेकेंड्स तक। तो ये ऐसे ही दिखता है आसान सा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी से राउंड 2 चल रहा है, अब राउंड 2 आ गया हुआ है, तो इसमें मेरे को वापस से 12 रैप्स मार रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो इसमें पूरे 12 रैप्स बज रहे हैं। इसमें जो है, मैंने म्यूज़िक जिम का इसलिए नहीं लिया हुआ है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बज रहा था वहाँ पर, कि मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता था। तो अब वापस से 12 सेकेंड का होल्ड ले रहे हैं हम, इससे हमारा पूरा फैशिया स्ट्रेच हो जाएगा, मसल लेग का जो होता है। तो अभी जो ये होल्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यूसली आप लाइट वेट में मार सकते हो, हैवी ज़्यादा रैप्स मार सकते हो, लेकिन ये है कि इसमें होल्ड की जो है ना, उसी से सेम मसल का वो पता चल रहा है। फिर से जब राउंड 3 आएगा, तो देखो अब इसमें मैं अगेन 12 रैप्स लिखा हुआ है, तो 12 रैप्स मार रहा हूँ मैं वापस से। पूरा फुल कंट्रैक्ट करना है हमें, थोड़ा सा कम कैमरा एंगल थोड़ा सा ख़राब हो गया हुआ है, भैया को पता नहीं चल रहा था। तो फिर से 12 सेकेंड्स का होल्ड दिया हुआ है हमने। राउंड 3 है मेरे ख्याल से, पता नहीं राउंड 4 है, आप गिन लेना अपने हिसाब से। तो बुरी हालत हो गई हुई है इसमें, तो अब देखा जाए तो मतलब कि पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है कि मेरी बस हो गई। अब फिर से 12 रैप्स मारने हैं। तो जब आपके 4 राउंड्स क्लियर हो जाते हैं 12 रैप्स के, तो आपको जो है शिवरिंग जैसी फील होने लगती है। माई लेग्स वर ट्रेम्बलिंग दैट टाइम, आई वॉज शिवरिंग सीरियसली। तो अब जो है बस होने वाली हो गई, मतलब कि अब जो भी है कि मतलब चक्कर ना आ जाए, बस इस तरीके का सीन हो गया हुआ है। 12 सेकेंड्स जो होल्ड हो रहा हुआ है ना, इसमें तो बुरी हालत हो रही है मेरी। अब फिर से 12 रैप्स माने, राउंड 5 चल रहा है मेरे ख्याल से।
12 रैप्स, भैया पूरे साथ में खड़े हैं कि देख रहे हैं कि कहीं चीट रैप ना बचा है, तो थैंक्स टू हिम। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब मेरी बुरी हालत हो रही है, इतनी इफेक्टिव है ये। तो अब देख लो फिर से 12 सेकंड का होल्ड, वो पसीने आ गए हुए एकदम, जैसे अभी आप देख रहे हो। आई गेस लास्ट राउंड है ये मेरे ख्याल से, तो अभी इसमें होल्ड करने के बाद फिर से मेरे हैम्स भी दर्द कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। 12 रैप्स अगेन वाला सीन हो गया। जब 5 या 6 राउंड में आप पहुंच जाते हैं, जो आपके पाँव होते हैं जैसे आपने लेग प्रेस पे जहाँ पे आपने रखे हुए हैं पाँव, आपके जो फुट है वो पेन करने लग जाएगा, इतना प्रेशर पड़ जाता है आपकी लेग्स पे। तो ये 20 टू 20 केजी जो स्टार्टिंग में इजी लगता है, ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, बिकॉज द लॉन्गर यू होल्ड द हैवियर इट बिकम्स। फिर से 12 सेकेंड्स का होल्ड मिल रहा है अब, एंड आई गेस अब ये जो है लास्ट राउंड होने वाला मेरा शायद से। देखो अब भैया को बोल रहा हूँ बस करो भैया क्या कर रहे हो। हाँ लास्ट राउंड आ गया हुआ है 12 रैप्स का, तो अब जैसे ये ख़त्म हो जाएगा मेरी बुरी हालत, मेरे से चलने की तो हिम्मत ही नहीं होगी मेरे से। बस हो रही है, सीरियसली बस हो रही है, लास्ट के 2 रैप निकल रहे हैं मर मर के, बस हो गई। फट गई भाई, बस हो गई, नेक्स्ट ही फट गई। कम भी 80 से ज़्यादा रैप मारे हुए हैं, पूरी हालत हो गई हुई है। तो अब जैसे कि लेग प्रेस मार लिया हुआ है, अब हमने फ्रंट स्क्वाड मारना है, तो देखते हैं फिर कैसे जाता है। अब सीधे मेरे को बहुत ही ज़्यादा लाउड म्यूजिक बज रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा आज। था कॉपीराइट आया था तो इसलिए मैंने जो है सॉन्ग म्यूट कर दिया हुआ है। तो इसके बाद मैंने जो है फ्रंट स्क्वाड्स मारना शुरू कर दिए थे, 4 सेट मुझे मारने थे फ्रंट स्क्वाड्स के, और सच्ची में मैं बता रहा हूँ कि इतने मुश्किल मुझे लग रहे थे क्योंकि मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया था। तो ये जैसे ही फ्रंट स्क्वाड्स मैंने अपने ख़त्म किए, उसके बाद मेरी थर्ड एक्सरसाइज थी जो कि स्टिफ लेग थी। इसके भी मैंने 4 रैप्स मारे थे स्टिफ लेग्स के। आप ये ट्राई करके ज़रूर देखिए, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसको मैंने अब हर वीक में, जैसे मैं 2 बारी लेग्स ट्रेन करता तो एक बारी मैंने फैशिया स्ट्रेच करना ही करना है, तो अब मैंने ऐसा बना दिया। इसके बाद मैंने काफ्स मारे थे,